सबके मन को भाती गैया मैया, क्योंकि सबको दूध पिलाती गैया मैया, लेकिन फिर भी दुष्ट काट देते हैं इसको अपना दुकड़ा, सुनाती गैया मैया, सुनाती गैया मैया। गाय हमारी माता है, ये हमने बचपन से सुना है, लेकिन सच में हमें कुछ नहीं आता है। हम में से बहुत सारे लोग जो गौवंश को पालते हैं, लेकिन जब अपना काम निकल जाता है तो सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं, फिर वो पॉलीथिन खाती हैं, अननेसेसरी जो आइटम्स हैं वो खाती हैं, बीमार हो जाती हैं, कई बार तो सड़क पर ही दम तोड़ देती हैं। लेकिन धन्यवाद देना होगा ऐसे पुनर्वास केंद्रों का जो कि गौ माता की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, जिनमें से विश्व का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा जो पुनर्वास केंद्र है, गौ पुनर्वास केंद्र हिंगोनिया गौशाला के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है, हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र, जहां पर मैं आरजे कार्तिक आ जाया हूं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे गाय के आध्यात्मिक महत्व की और क्यों यहां पर इतनी सारी गायें आई हैं। आप सोचिए कि गाय हमारी माता है, तो क्या माता कोई अपने घर से जो है उनको निकाल देता है, परित्याग कर देता है? ये सोचने वाली बात। दुनिया के सबसे बड़े काउ रिहेबिलिटेशन सेंटर में हुए हिंगोनिया गौशाला नाम से बड़ा फेमस है, लेकिन अब हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र बन चुका है और बड़े सारे लोगों ने जो है गाय माता से अपना जो है काम निकला उसके बाद उनको परित्याग कर दिया। आप सोचिए कि क्या माता का भी कोई जो है परित्याग कर सकता है? ये विचारणीय प्रश्न है, सोचने वाली बात है कि कलयुग चल रहा है, कलयुग में मनुष्य बहुत स्वार्थी हो चुका है। हमारे साथ में बात करने के लिए प्रभु जी जुड़े, आपका बहुत बहुत वंदन, आपको प्रणाम। श्री कृष्णपाद दास जी महाराज हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आध्यात्मिक दृष्टि की हम बात करते हैं, क्योंकि हमने रिहेबिलिटेशन सेंटर के बारे में बात कर ली, यहाँ जो समस्याएं जिसकी वजह से गाय यहाँ तक आती हैं और जो बीमारियां उनको हो जाती हैं, उनसे क्या हम बात की, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि बचपन से हम सुनते हैं गाय हमारी माता है, तो सृष्टि में इतने सारे जीव हैं, गाय को ही जो है माता की उपाधि क्यों दी गई, गौ माता क्यों कहा जाता है? ऐसा ही कुछ प्रश्न श्रीला प्रभुपाद, भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, जो कि विश्वव्यापी हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य हैं, उनके शिष्य ने उनसे ये प्रश्न पूछा कि श्रीला प्रभुपाद ये बताइए आपको सबसे अच्छा जानवर कौन सा लगता है और सबसे अच्छा जानवर कौन सा है? तो श्रीला प्रभुपाद थोड़ा रुकते हैं, फिर बोलते हैं घोड़ा सबसे अच्छा जानवर है। तो शिष्य चौंक जाते हैं, क्योंकि वो तो आशा कर रहे थे कि श्रीला प्रभुपाद इसका उत्तर गाय देंगे, गाय है वो जानवर। लेकिन श्रीला प्रभुपाद से फिर पूछते हैं आपने गाय क्यों नहीं बताया? तो वो बोलते हैं कि गाय तो हमारी माता है, गाय कोई जानवर नहीं है। क्या बात? और हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है, आत्म माता गुरुर पत्नी ब्राह्मणी राज पत्नी का देनुर धात्री तथा पृथ्वी सत्यता मातरा स्मृता। सात माताएं हमारे शास्त्रों में बताई गई है, आत्म माता हमारी खुद की माता, आत्म माता गुरु पत्नी गुरु की माता, और ब्राह्मण की पत्नी, राजा की पत्नी, धेनु गौ माता, धात्री आया नर्स, और पृथ्वी माता धरती माता। तो ये सात माताएं बताई गई हैं, और इनमें से जो गौ माता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? अपनी माँ का हम दूध पीते हैं 5 वर्ष तक 6 वर्ष तक, लेकिन गौ माता का दूध हम हमेशा पी सकते हैं, और गौ माता हमारा पालन करती है, उसका दूध, उसका दही, उसका दूध, घी, गोबर, सार, मूत्र, सब कुछ हमारे लिए काम में आता है। तो यहाँ से हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि गाय तो हमारी माता, बिल्कुल हमारे जीवन में जो जीव अंश है वो गौ माता का। एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम नाम सुनते हैं गोविंद, गोपाल, भगवान श्री कृष्ण के इतने सारे नाम है, और थोड़ा मैं भी जानना चाहता हूँ कि गो जब शब्द की बात आती है तो गो से एक अर्थ तो निकलता है गाय माता, और दूसरा अर्थ इंद्रियों का भी निकलता है, इंद्रियों को आप थोड़ा बताएं, और पहले बताएं कि भगवान श्री कृष्ण और गौ माता का जो संबंध है उसको अगर आप थोड़ा शास्त्रों की दृष्टि से कुछ अगर आप कथानक सुनाना चाहें तो। बहुत ही गहरा संबंध है, भगवान का जो धाम है वो धाम का नाम है गोलोक वृंदावन धाम, मतलब गायों का जो लोक है, और शास्त्रों में लिखा है विष्णु पुराण में, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत गिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मतलब हम उस गोविंद को बारंबार प्रणाम करते हैं जो गायों की और ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। केवल श्लोक नहीं है, भगवान ने अपने जीवन काल में भी, अपनी लीलाओं में भी इसको बृहद रूप से प्रस्तुत किया है। एक बार की एक लीला है भगवान कृष्ण की, एक गाय थी जिसका नाम था बहुला, और वो ऐसे ही गौचरण के लिए गई और उसको एक शेर मिल गया, और शेर बोलता है अब तो मैं तुम्हें खाऊं, तो बहुला बोलती है मेरा छोटा सा बछड़ा है उसको दूध पिला के आती हूँ, तब तुम मुझे खा लेना। तो शेर मान जाता है, और वो जब बछड़े को दूध पिलाने जाती है तो बछड़ा बोलता है कि माँ तुम परेशान दिख रही हो, तो बोलती है कि अंतिम बार मेरा दूध पी लो, इसके बाद मैं शेर के हाथों आने अपने आप को, शेर मुझे खा ले। तो
बछड़ा विचलित हो जाता है, बोलती है मैं भी, बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। इतने में ग्वाला आ जाता है, ग्वाले को पता चलता है कि शेर को, शेर इनको खाने वाला है, तो ग्वाला बछड़ा और बहुला तीनों शेर के पास चले जाते हैं, भाई हमें खा लो, हमें खा लो, इनको छोड़ दो। तीनों में वो होने लगता है कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन होने लग जाता है, त्याग के भाव, त्याग का भाव, त्याग का भाव आ जाता है। इतने में भगवान कृष्ण वहां पर आ जाते हैं और उस शेर को बोलते हैं आप इनको नहीं खा सकते। क्या बात। और वो जो शेर थे स्वयं यमराज थे जो उनकी परीक्षा लेने आए थे, और 12 वन जो वृंदावन के हैं उनमें से एक जो वन है इस गाय के नाम से जिसको बहुला वन कहते हैं। तो इस लीला से हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि भगवान गायों की रक्षा करते हैं। भगवान ने अपनी लीलाओं के लिए कोई बड़ा महल और ये ऐसा बड़ा राज परिवार नहीं चुना, उन्होंने अपने आप को एक ग्वाले के रूप में चुना। नंद महाराज जो एक वैश्य थे जो बहुत सारी गायें रखते थे, क्योंकि पहले जमाने में गौधनी सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा धन, उसके रूप में चुना। और इस उपलक्ष्य में एक गोपाष्टमी फेस्टिवल भी मनाया जाता है कार्तिक मास की अष्टमी को, जब भगवान कृष्ण पहली बार, पहले तो बछड़ा चराते थे, पहली बार जब गाय चराने गए तो उस दिन को गोपाष्टमी के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो भगवान कृष्ण का और गाय का तो बहुत गहरा है। क्या बात। और गाय का अगर आप जीवन भी देखें तो पूरा जीवन जो है गाय दूसरों के लिए न्योछावर कर रही है, सबको पालने के लिए न्योछावर कर रही है, और इसीलिए माता की उपाधि दी गई जैसा कि अभी अभी आपने बताया। शास्त्रों की बात करते हैं, पुराणों की बात करते हैं, वेदों की बात करते हैं, क्या लिखा गया है गौ माता के बारे में, क्या महत्व जो है बताया गया। सबसे प्रचलित जो भगवद गीता सभी जानते हैं, भगवद गीता भगवान कृष्ण कहते हैं कृषि गौरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि करना, गाय की रक्षा करना, ये एक जो वैश्य होता है, जो जो व्यापारी वर्ग होता है उनका ये स्वभाव होना चाहिए। तो भगवद गीता भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि गाय की रक्षा करनी चाहिए। और भगवद गीता में 10वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि जो गाय हैं उनमें मैं कामधेनु हूँ। तो भगवान कृष्ण खुद को कामधेनु से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, गोवंश के बारे में बता रहे हैं, गोवंश के बारे में बता रहे हैं। और जब ब्रह्म संहिता में भगवान के धाम की चर्चा की जाती है तो उसमें लिखा है चिंता मणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षा व्रते सुसुर वीर विपाल यंतम लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेभ्यमानम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी गोविंद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जो गायों को, हमारी इंद्रियों को, जिन भगवान कृष्ण आनंद प्रदान करते हैं। और उनका जो धाम है उसमें सुरभि नाम की गाय है, उनके धाम में जो वृक्ष है वो कल्प वृक्ष है। तो यहाँ पर भी गाय की चर्चा की गई। और उसके बाद जो कृष्ण कर्णामृत में बिल्व मंगल ठाकुर है वो भगवान कृष्ण को ऐसे बोल रहे हैं कि भगवान आप ऋषि मुनियों के यज्ञों में जाते नहीं हो और आप इधर गायों के साथ, गोबर के साथ, उनके उनके साथ, उनके साथ लीलाएं करते रहते हो, आपको यज्ञों में बुलाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है जबकि आप गायों के साथ इतनी आसानी से सहजता से विचरण करते रहते हो। और पराशर स्मृति में, गवो उपनिषद में, ऐसे कई शास्त्रों में गाय का वर्णन है। यदि वर्णन करते चलें तो इसी में एक घंटा और ज्यादा समय निकल सकता है। गवो उपनिषद में लिखा है कि गाय की जब परिक्रमा करते हैं तो कई द्वीपों की और पृथ्वी की परिक्रमा के समान हो जाता है। तो गाय का इतना बड़ा महत्व है और बचपन से लेकर अंत तक गाय का एक एक अंग, एक एक वस्तु हमारे काम में आती है। तो शास्त्रों में यदि इतना लिखा है गाय के बारे में तो गाय तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। राइट। प्रभु जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जब भी पूजा होती है हमारे यहाँ पर, अनुष्ठान होता है, तो गौ माता के आशीर्वाद के बिना जो है वो संभव नहीं होता है, क्या इसका महत्व बताएंगे आप? गौ माता के आशीर्वाद के बिना तो संभव इसलिए नहीं हो सकता कि पूजा विधि में, किसी भी यज्ञ में जिन भी सामग्रियों का प्रयोग किया जा सकता है वो गौ माता के बिना संभव ही नहीं है। जिस यज्ञ स्थली को लेपा जाता है, गाय के गोबर से लेपा जाता है, और उस यज्ञ में जो आहुति दी जाती है वो घी की आहुति दी जाती है, क्या आहुति दी जाती है, उस जो खीर बनती है दूध से बनती है, उस यज्ञ स्थली को शुद्ध किया जाता है, गौमूत्र से शुद्ध किया जा सकता है। और शास्त्रों में लिखा है कि बिना यज्ञ के ये बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो सृष्टि फलेगी फूलेगी नहीं। तो बिना यज्ञ के तो ये संभव नहीं, और गाय के बिना यज्ञ संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो भरण पोषण है पूरा वो गाय पर निर्भर है, इतना महत्व है। बिना गाय के हम कोई भी पूजा वाले कार्यक्रम को कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। तो पंचगव्य का महत्व जो है वो प्रभु जी हमें बता रहे हैं। पंचगव्य है
गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर, ये पंचगव्य हैं जिनका अभी भगवान का जन्माष्टमी पे जो अभिषेक होगा उसमें भी पंचगव्य अभिषेक होता है भगवान का। भगवान के अभिषेक में भी पंचगव्य का प्रयोग किया जाता है, यज्ञों में भी पंचगव्य का प्रयोग किया जाता है। तो गाय का एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है किसी भी पूजा कार्यक्रम। बिल्कुल। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जयपुर में जो गलता धाम है हमारे यहाँ पर, तो हमारा जो गलता जी का धाम है वहाँ पर गोमुख, और गोमुख में से जो धारा बह रही है जल की, वो अनवरत धारा, आज तक कोई ये पता नहीं लगा पाया कि उद्गम स्थल क्या है, कहाँ से वो पानी आ रहा है, तो क्या कथा है उसके बीच? बहुत ही रहस्यमयी और दिव्य कथा है। सत्ययुग में ऐसा माना जाता है कि गालव ऋषि हुए और उन्होंने 60,000 वर्ष तक इस स्थान पर तपस्या की, और वो अपने तपोबल से रोजाना गंगा जी में और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने जाके वापस आ जाया करते। तो एक बार उन्होंने गंगा माता से आह्वान किया और गंगा माता उनकी इस तपस्या से प्रसन्न हुई और यहाँ पर प्रकट हो गई, और उस गौमुख से अनवरत वो गंगा माता यहाँ पर बह रही है, यहाँ पर अवतरित हो चुकी है। तो ये एक दिव्य सच्चाई है, ट्रांसेंडेंटल रियलिटी है, जिसको हम अपने भौतिक दृष्टिकोण से समझ नहीं सकते। तो ये हमें समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये हरि की कथा है, जो यहाँ पर हरे कृष्ण मूवमेंट की ओर से पूरा ध्यान रखते हैं। हमारे साथ जुड़े, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हिंगोनिया गोकुल दरबार केंद्र के अंदर। मेरा नाम प्रेमानंद नितय दास है और मैं अपने संस्था की ओर से पिछले 8 वर्षों से इस गौशाला के अंदर पूरा प्रबंधन देख। क्या बात है, तो गोवंश की सेवा करने का आपको परम सौभाग्य मिला है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट काउ रिहेबिलिटेशन सेंटर है, गो पुनर्वास केंद्र, एक बार फिर से जो है उनको उनका वास यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि 19,000 के तकरीबन यहाँ पर गोवंश है, इतनी बड़ी संख्या में गोवंश है, या हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रिहेबिलिटेशन सेंटर है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, वैसे तो पुनर्वास केंद्र होने नहीं चाहिए, हम देखिए हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वही, पर आज क्योंकि हम इंसान हैं, अपना अपना हम ग्रीड पे पूरा फोकस करते हैं, तो हम जितनी भी जगह थी जो इन गौवंश के लिए थी उस पर हम अपना अपना अतिक्रमण किए जा रहे हैं, और अब इन जीवों के लिए कोई जगह बच नहीं पा रही है, तो इनको वहाँ से आगे सड़कों पर आना पड़ता है। आप देखते हैं हाईवे पे आपको बहुत गाय दिखेंगी, सड़कों पे, कॉलोनी में, हर जगह घूमती हुई, कचरे के ढेर के अंदर वो आते दिखेंगी, तो वो एटलीस्ट वहाँ पे उस जगह उस गंदगी में ना रहे, इसलिए उनको वहाँ से उठा के इस जगह पे लाया जाता है, ताकि एटलीस्ट उसको इनके प्रॉपर हैबिटेट, जहाँ पर इनको उनका प्रॉपर चारा पानी मिल सके, प्रॉपर आवास मिल सके, उस जगह रह सके। यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर गोवंश आता है, जब भी गौ माता आती हैं, कई बार बीमार भी होती हैं, क्या उसके पीछे कारण होते हैं? क्योंकि काफ़ी बार हम लोग जो है अवेयरनेस के मैसेजेस देखते हैं कि पॉलीथीन जो है उसका उपयोग करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप पॉलीथीन का उपयोग कर रहे हैं, सड़क पर उसे गिरा दे रहे हैं, गाय उसे खा ले रही है, बहुत सारी बीमारियां हो जा रही। देखिए बिल्कुल, पॉलीथीन तो एक बहुत बड़ा कारण है ही। मैं आपको एक तथ्य बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छा मेडिकल स्टाफ है, और हर दिन हम कोशिश करते हैं कि हम एक तो रिनोटॉमी का ऑपरेशन करें। रिनोटॉमी का ऑपरेशन बताता हूँ, इसके अंदर हम गाय के पेट को चीर के उसके अंदर से थैली और अलग अलग जो भी फॉरेन मटेरियल है, जैसे लोहे की कील हो गई है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई है, सिक्के हो गए हैं, मोबाइल चार्जर हो गया है, अच्छा धारदार चीजें ब्लेड वगैरह उसमें मिलती है, उसको हम बाहर निकालते हैं उसके अंदर। हाँ, रोजाना एक ऑपरेशन हो? हाँ, हर दिन एक करते करते। और आपको और भी आश्चर्य होगा जान के कि मिनिमम जो क्वांटिटी है सिर्फ पॉलिथीन की वो 20 केजी है, और हमने आज तक तो रिकॉर्ड किया है मैक्सिमम 80 किलो एक गाय के अंदर से पॉलिथीन निकली। 80 किलो पॉलिथीन निकली, आप सोचिए कि कितना डेंजरस है। हमारी ओर से ये डेंजर जो लाया जा रहा है, हमारी ओर से खतरा पैदा किया जा रहा है हमारी अपनी गौ माता के लिए, जिसके लिए हम कहते हैं गाय हमारी माता है, लेकिन सच में हमें कुछ नहीं आता। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किस किस नस्ल की जो है गोवंश यहाँ पर, क्योंकि ये पुनर्वास केंद्र है तो सड़कों पे जो भी नस्ल घूम रही है उसको यहाँ आना पड़ता है। सिर्फ भी हमारे यहाँ पे जैसे कि जो लोकल ब्रीड है, इसमें थारपारकर हो गया, हरियाणा हो गया, राठी हो गई है, गिर है, और कुछ इंडिस्ट्रिक्ट ब्रीड्स भी हैं जो कि दो अलग अलग ब्रीड्स के क्रॉस होने से बनी है। ऐसे अलग अलग तरह की ब्रीड्स, मतलब तकरीबन 7 से 8 अलग अलग ब्रीड्स यहाँ पे हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इतना बड़ा रिहेबिलिटेशन सेंटर है, आप कैसे ध्यान रख पाते हैं, कैसे सारी व्यवस्था चला पाते हो? देखिए बिल्कुल, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और इसके लिए उतनी ही बड़ी हमारी टीम भी है, जिसमें पूरे डेडिकेटेड लोग हैं जो घड़ी देख के काम नहीं करते हैं, क्योंकि आप एक इंडस्ट्री रन नहीं कर रहे हैं, आप एक जीवित
जीव की आप देख रेख कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो उसके अंदर आपको सुबह के 6 बज रहे हो या रात के 12 बज रहे हो, हर समय उनको अटेंड करना पड़ता है। तो ऐसे हमारी अलग अलग टीम बनी हुई है जो मॉर्निंग के अंदर काम करती है, जो रात में काम करती है। अगर रात में भी कोई बीमार है तो उसको रात में वहां से शिफ्ट करना, हॉस्पिटल में लेके जाना, 24 आवर यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, उसका तुरंत इलाज करना, ना केवल गौशाला के अंदर, इवन जो बाहर आस पास से कोई भी ऐसे बीमार या फिर एक्सीडेंटल केसेस वगैरह यहाँ पे आते हैं उनको भी प्रॉपरली यहाँ पे ट्रीट करते हैं। तो हमारी बात को गौ माता भी पीछे बहुत ध्यान से सुन रही है, पूरे इंटरव्यू में हमारे साथ बनी हुई है। एक बात जो आप इनकी ओर से पूरी जनता को कहना चाहते हैं, क्या मैसेज दे रहे? देखिए, बहुत जरूरी है समझना कि तस्वीर पे सिर्फ अधिकार हमारा नहीं है। हाँ, ये भगवान ने सभी जीव जंतु के लिए दिया है। पहले के समय जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके जो क्षेत्र में जो भी है, अगर कोई पशु है पक्षी है वो सभी उनकी प्रजा हुआ करती थी। पर आज हमने क्या किया है कि बस हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और बाकी और जो भी जीव उनको हम कुछ ध्यान नहीं रखते हैं और उनको हम मार रहे हैं, काटते हैं, हटा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पर वो गलत है। अगर आप एक बैलेंस एक पूरा सोसाइटी चाहते हैं तो हर एक चीज़ की एक प्रॉपर जगह है। आज देखिए हम इतना बड़ा बड़ा सेंचुरी बना रहे हैं कि टाइगर बहुत कम बचे, तो देखिए किसी टाइम पर उनको एक्सप्लॉइट किया गया होगा, बहुत मारा गया होगा। आज आप ऐसे अलग अलग जीवों को, चाहे गाय हैं और भी, उनको आप ऐसे एक्सप्लॉइट करेंगे तो लिए भी सब मैं दूर नहीं कि आप टिकट लेके जाएंगे कि आपको गाय दिखा दीजिए, टिकट लेकर जाएंगे गाय दिखा दीजिए, ऐसा समय ना है। एक आखिरी प्रश्न प्रभु जी, कि दुनिया में भी बाकी देशों में भी गोवंश है, वहाँ और हमारे यहाँ स्थिति को कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारत है हमारा पूरा जो कल्चर है हमारे शास्त्रों पर आधारित है, उसमें साइंटिफिकली बताया गया कि इम्पोर्टेंस किया गया एक स्पिरिचुअलिटी को, या नाम वो देखें हर तरह से हमारे फिजिकल ग्रोथ में हर तरह से गाय का दूध का काफ़ी महत्व है। तो हमारे देश में तो इसको पूजनीय भी माना जाता है और उसका उतना उपयोग भी किया जाता है। बाहर के देशों में ऐसा आजकल क्योंकि हर चीज़ इंडस्ट्राइज हो चुकी है तो गाय को एज ए प्रोडक्ट मानते हैं कि भाई हमारे वो प्रोडक्ट टाइप का ही है, वो उससे हमको कुछ दूध मिल रहा है और जिस तरह उसने गुजरा बंद कर दिया सो उससे बीफ ले लेंगे, मतलब उसको मार देंगे। पर हमारा कल्चर वो नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। एक प्रॉपर, अगर हम इतना एडवांस हो रहे तो हमको हर चीज का बैलेंस देखना है। अगर कोई आदमी अगर चलता फिरता नहीं तो काट देते हैं, पर हम गाय घर से कर रहे हैं तो ये तरह से गलत। बिल्कुल, और आपकी ओर से ये मैसेज है कि परित्याग भी ना करें, अगर आप किसी ने गोवंश को पाला है तो साथ रखें, अपने साथ रखें, कम से कम उसको आप सड़क पे ना छोड़े। ऐसे ही रिहैबिलिटेशन सेंटर में आपके पुनर्वास केंद्र हो, कोई गौशाला हो, वहाँ पे आप छोड़ दे ताकि वो सड़कों पे कचरा खा रही है, जो भी कर रही है उसको वो तो ना भेजना पड़े। आप सोचिए बचपन से वो आप खत रही है, मारे कोई आपके घर का बच्चा ही हो, उसको आप ना सड़क पे फेंक देंगे कि आज अब ये कमाना छोड़ दिया तो फेंक दो उसको, आज मेरे कुछ काम नहीं आ रहा है, लूदा है, लंगड़ा है, थोड़ा फिजिकली थोड़ा चैलेंज है, उसको बाहर फेंक दीजिए, वो तो पॉसिबल नहीं है। पर हम बैलेंस नहीं रख रहे, हम गाय को देखते हैं कि नहीं अभी दूध नहीं दे रही तो निकाल दीजिए। तो गाय के लिए दूध एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है, फिर 3 साल के बाद गाय जब जाती है तब दूध देना शुरू करती है। पर गाय को हम हमारे लिए वो हमेशा एक्चुअली एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रह सकती है, हमारे सब कुछ देती रहती है हमको। बिल्कुल, हमको वो चीज़ समझनी है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल प्रभु जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद बात करने के लिए, थैंक यू। अब हम इस पॉडकास्ट के, इस इंटरव्यू के, इस टूर के आखिरी में पहुंच चुके हैं और मैं आपसे प्रभु जी जानना चाहता हूं, जो देख रहे हैं इसको वीडियो को उनको बताएं कि क्या लाभ हैं गौ माता की, जो है कितनी विशेष कृपा है हम सबके जीवन में, ताकि वो इंस्पायर हों और जिस दृष्टि से वो गौ माता को देखते हैं उन दृष्टि से देखना बंद करें। मानवता के कल्याण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, बौद्धिक दृष्टिकोण से और जितने भी दृष्टिकोण आपके हो सकते हैं, हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो गाय इस समाज को फायदा ही फायदा दे रही है। जैसे आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए कि गाय हमें दूध देती है, इतने सारे उत्पाद देती है, उनसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आज भी चल रही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए, गाय का जो दूध होता है उसमें इतने सारे पोषक तत्व होते हैं। आजकल लोग दिल से बहुत बीमार हो जाते हैं तो दिल की बीमारी को दूर करने के लिए गाय के दूध काम आता है। और शास्त्रों में तो लिखा है कि जो गाय का दूध है उससे हमारे जो ब्रेन टिश्यूज हैं वो डेवलप होते हैं, जिससे कि हम जो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर है, आध्यात्मिक जो विषय वस्तु है, उसको हम समझ सकते हैं। यदि गाय के फायदे गिनाए जाएं तो ये फिर से 1 घंटे और पॉडकास्ट चलने लग जाएगा। लेकिन कार्तिक जी, आजकल का गाय के महत्व को समझता नहीं है, सो गाय के महत्व को समझो, ये प्रभु जी का बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और एक बात अंत में और कहना चाहूंगा कि सबके मन को बात ही गैया मैया, अभी सब लोग गैया देखेंगे, सबको अच्छा लगेगा,
सबके मन को भाती गैया मैया, क्योंकि सबको दूध पिलाती गैया मैया, लेकिन फिर भी दुष्ट काट देते हैं इसको अपना दुकड़ा, सुनाती गैया मैया, सुनाती गैया मैया। तो इस कविता के अंत में, क्योंकि प्रभु जी बहुत सी कविताएं लिखते हैं, अंत में मैं कहूंगा कि अगर आपके घर में आपने गोवंश को पाला है, तो जैसा कि हम इस पॉडकास्ट में सार जो है वो ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि अब गाय हमारे किसी काम की नहीं, ऐसी सोच भी आ जाती है मान लो, तो आपको सड़क पर नहीं छोड़ना है, ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर आपके आसपास जिस भी शहर से आप ये वीडियो देख रहे हैं जरूर होंगे, वहां पर लेकर के जाइए और पाप अपने सिर पर मत लीजिए, क्योंकि पुण्य का काम हम सबको करना है, इस सृष्टि में हमने जन्म लिया है। तो आइए मिलकर के गौ माता की जय बोलते हैं, और गाय हमारी माता है, इस वीडियो को देखने के बाद में हमको सब कुछ आता है, सब कुछ समझ में आ गया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय गो माता, जय गोपाल, हरे कृष्णा।